वेलकम टू बाजी की दुनिया कनाडा में. और आज हमारी खाला जान ने हमें खाना खिलाया सॉल्ट एंड पेपर पे. ये है वेलकम टू सॉल्ट एंड पेपर इंडियन कुजीन. और इसमें जितने मजे मजे के खाने हैं ना, लाओ मैं आपको खिलाती हूँ. उन खानों की कोई मिसाल नहीं है, जैसा कि ये चिकन स्वीट एंड सार सूप था. और ये पकौड़े इतने मज़े के थे, वो सूप इतना मज़े का था, ये फ्राइड फिश. एंड ये सिर्फ एपेटाइजर्स हैं. और भाईजान को देखें, ये सारे भाईजान कितने मज़े से खाना खा रहे हैं. एनीवेज, और इसके बाद जो हमने एक प्लेटर मंगवाया ना, वो तो कमाल का प्लेटर था. उसका तो एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी जब वो सीन आ जाएगा. तब तक मैंने सोचा कि भाईजान को थोड़ा रिकॉर्ड किया जाए कैसे मज़े मज़े से खाना खा रहे हैं. कोई पता नहीं है कि बाजी यहाँ रिकॉर्ड कर रही है इनको. अभी ना ये देखें, हमें ना कितनी देर से बैठे हुए हैं, हमारी प्लेटें ना एपेटाइजर्स खाली हो गए हैं. जो नेबर्स है ना, उसके टेबल पे ना खाना आ चुका है और हम अभी तक बैठे हुए हैं ये खाली प्लेट्स लेके. तो हमें ना बहुत ही गुस्सा आ रहा है तकरीबन, वो इसलिए कि खाना आने का नाम ही नहीं ले रहा. लाइक आधे घंटे से ऊपर हो गया हमें ये बैठे हुए. पकोड़े खिला दिए हमें चार पांच, उन्होंने लिटरली चार चार पकोड़े थे एक प्लेट में. और आखिरकार जब ये खाना आया, इतना मजेदार खाना था. और दिया इन्होंने हमें कढ़ाई में सर्व किया, ये था कीमा मटर और दूसरा वाला था चिकन कढ़ाई. और बहुत ही मज़े के खाने थे दोनों. चिकन कढ़ाई बहुत स्पाइसी तो नहीं थी, लेकिन मज़े की पकी हुई थी. लेकिन ऑनेस्टली जो चीज़ मुझे इसमें बेस्ट पसंद आई है ना, वो मैं अगेन बता रही हूँ कि मैं आगे बताऊँगी वो क्या थी. खाला जान ने कहा कि ये हमारा बहुत ही कोई अच्छा रेस्टोरेंट है. यहाँ पर कुछ 5-6 रेस्टोरेंट्स हैं जो कि पाकिस्तानी खाना बनाते हैं. इनका ओनर भी पाकिस्तानी था, इंडियन एंड पाकिस्तानी बेसिकली दोनों इनके ओनर्स थे. उन्होंने हमें सारी डिटेल भी बताई कि इनके ओनर्स ना कैसे इनकी पार्टनरशिप्स हुई हैं वगैरह. तो हमें तो इनका खाना ना बहुत ही मज़े का लगा. मैं कह रही थी कि अम्मी जान ये खाना जो बनाते हैं ना, हालांकि हम टोरंटो में रहते हैं GTA में, और GTA में भी मैंने इतना मज़े का ना पाकिस्तानी खाना कहीं नहीं खाया जितना कि हमें यहाँ खाने को मिला, अल्हम्दुलिल्लाह. और अगेन मैंने सोचा कि सबको, भाईजान को ज़रा दिखाऊं कितने इंटरेस्ट लेते हैं खाना, ये बाहर का खाना खाने में. ये है वो प्लेटर जिसका नाम था तवा प्लेटर. इसके अंदर डिफरेंट किस्म के चिकन थे, कबाब था और फिश थी, और साथ में चटनी थी. और ये इतना बड़ा प्लेटर था, लेट मी टेल यू इसकी कीमत क्या थी, $120 अमेरिकन $US में था. और ये पूरा तवा प्लेटर $120 का था. हमने सोचा कि अगर कभी यहाँ पर दोबारा आया जाए तो सालन मत ख़रीदें, सिर्फ ये एक प्लेटर ख़रीदें. साथ में नान आते हैं इसके, चार नान. और इंतहाई मज़ेदार ये खाना था गाइस. ये उसने हमें लाइक बहुत एंड पर लाकर दिया और हमें बहुत रिग्रेट फील हुआ कि बाकी चीज़ें तो ख़रीदने की ज़रूरत थी ही नहीं. ये सारा बच गया और हमने सारा पैक करके भी घर लेके जाना पड़ा. बट इट वॉज सो वर्थ, बिल्कुल वर्थ था $120 में. तो मैंने तो उसका चिकन ट्राई किया. मैंने ना सारा खाना ना हम पैक करके घर ले आए. हम इस खाने को ना अब खाएंगे कल और इन्जॉय करेंगे मज़ेदार सा खाना. और हमें इन्होंने मिर्चें काट कर दी, हैलापीनो मिर्चें थी. और क्योंकि प्याज तो हम खाते हैं ही, बहुत पसंद है, हमने हैलापीनो मिर्चें इसलिए साथ में खाई क्योंकि खाना इतना स्पाइसी नहीं था. तो वो हमारे लिए स्पेशल लेके आए हैलापीनो मिर्चें. और ये चिकन इतना मज़े का लग रहा है, लिटरली मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना अभी फ़ौरन जाके दोबारा से खाऊं. और मैं पूरा टेबल दिखा रही थी कि पूरा टेबल ना ऐसे एंड तक कैसे भरा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह. और सब उन्होंने ना 2-3 प्लेटर्स रखे हुए थे ना, लाइक कढ़ाइयाँ उधर इधर रखी हुई ताकि सबको ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, किसी को ना उठ के पकड़ना ना पड़े. तो ये आई डोंट नो मैं कैसे जाऊँ वापस कनाडा, मुझे तो ये खाना बहुत याद आएगा. वो कह रहे टेड पड़ गया, अखा नहीं हिलाइया जान दिया. प्लेटर के ऊपर आके 120 थे. अच्छा 120 का हुआ है ना, ये रखा मिलते हैं 120.
भाई इस बोतल में पांच बोतल खोली है कि मेरे भाई ने मुझे देने वाले। अच्छा सारी पी ली है पांच बोतल। सारी पांच बोतलें पी ली है। जो बोतल बची मैं तो गाड़ी में रख लेता हूं। अच्छा क्या वीडियो बनानी है? अच्छा चावल का भाई जान अब इतने भूखे खाना घर लेके जाएंगे? उन्होंने क्या सुबह इधर ही खा कर ला। मैं तो कह रही थी अम्मी जान को, मैं कह रही थी अम्मी जान कल नहीं जाते, ये खाना बैठ के खाते हैं। सात दिन गर्मी यही खाना है। हाँ फिर मैं दोबारा खिला दूँ। अब उसकी बीवी ना माने कि नहीं खिला। और ना अब ये जो भाई जान है, ये भाई जान खाना संभाल रहे हैं। ये कहते हैं ये कहते हैं मैं अपना खाना अपने रूम में ले जाऊंगा। सारा कहना है कि ये प्रोनिया नो अब ये खिलाएंगे सात दिन। अगर आपको ये बात पसंद नहीं आई तो प्लीज कमेंट कीजिए। हमें नहीं आई पसंद। चलो इसी बात में कोई कमेंट ही कर देगा भाजी। हमें नहीं आई पसंद, हमें नहीं आई। और वो वाला जो भाई जान है ना, उनसे हिला नहीं जा रहा। उन्होंने इतना खा लिया, सारा प्लेटर जो स्नैक्स पे देखा है। मैं उठ के आना सब नहीं किया मैंने। तो ये भाई जान अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो कह रहे हैं कि मैंने सारा प्लेटर अपने स्नैप्स पे देखा है। अब मैंने जरा उठ के आ गई हूँ क्योंकि मुझे ना वीडियो बनाने में बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही थी। तो ये जो भाई जान है ना, फारिग है, सारे फारिग हैं कि अभी हम ना कहीं बाहर फिर जाएंगे कुछ खाने के लिए। हमें नहीं पता हम क्या खा सकते हैं इतना खाने के बाद। और मेरा भाई शापर भर रहा है। भाई जान ये जो प्लेटर था ना, ये प्लेटर ये 120 का था। ये भाई जान ने रख लिया तुमने? संभाल लिया ना? चल फिर भाई जान संभाल लिया सारा खाना? चलो कैनेडा के निकलते हैं। चलो कैनेडा चलते हैं सीधा। शापर भर लिया। चलो निकलो फिर कैनेडा में। कहती मैंने नहीं जाना इनके घर। अब चलो। अच्छा ये जो है ना, देखिए कैसे इन्होंने सफाया मारा है। मैं आखिरी दफा एक लुक दिखा दूं। हैं देखो कितना इन्होंने सफाया किया है इस टेबल का। शापर के शापर भर लिए। तो ना अब हम जा रहे हैं और यहाँ पर ना साफ करने आ गए, इसलिए मैंने जरा एक जल्दी से लुक बना लूं। ओके और अब हम जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सा खाना था यहाँ पर और बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था। इसका नाम है सॉल्ट एंड पेपर इन अमेरिका। सो वी लव्ड इट। लेट्स गो गाइस। थैंक यू। आई जस्ट वांट टू मेक अ वीडियो। थैंक्स। और यहाँ भाई जान ना इरशाद कर रहे थे कि मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, इन दो आँखों से कितना देखा जा सकता था। भाई जान का ना बहुत दिल कर रहा था इरशाद करने को लेट नाइट पे, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। सो हमने ये ना क्रिस्पी क्रीम डोनट्स लिए हैं उधर से। क्रिस्पी क्रीम डोनट्स। हमारा एक्सेंट अमेरिकन हो गया है फिर से। चॉकलेट डोनट्स हैं। बच्चों की तो ईद हो गई भाई, इन्होंने तो कल बहुत खुश होना है कि रास्पबेरी फिल्ड, चॉकलेट फिल्ड, रास्पबेरी फिल्ड एंड आई थिंक ये रेगुलर डोनट्स है। हमारी हॉट कॉफी एंड आइस्ड कॉफी। हमें ना हॉट एंड कोल्ड पसंद है बहुत। हम दोनों इतना जमीन आसमान का फर्क है हम दोनों में, जैसे कि इन दो कॉफी में है। Cheers! 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 अच्छा मैं तुम्हें 2% दे रही हूँ ना, अभी तुम्हारा 2-3 हज़ार बन जाना है अमेरिकन। इंशाल्लाह एक दिन दुआ किया करो। हाँ ताकि बाजी अमीर हो जाए, तुम भी अमीर हो जाओगे।